अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने जो मैं COVID-19 के वैक्सीन्स और ड्रग्स के स्टेटस क्या है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत सारे न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे कि COVID-19 के सिलसिले में अलग अलग जगह जब रिसर्चेस चल रहे हैं, तो उसका स्टेटस क्या है, क्या है वैक्सीन, क्या है ड्रग्स, क्या है उसके बाद ट्रीटमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह आप सुनते होंगे। तो मैं आज कोशिश करूँगा इन सारे चीज़ों को एक वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें समझना है कि वैक्सीन और ड्रग, इसमें फर्क क्या होता है। आप लोग बार बार सुनते होंगे कि COVID-19 का वैक्सीन आ रहा है, COVID-19 के ड्रग के बारे में या मेडिकेशन के बारे में रिसर्च चल रहा है। तो फर्क क्या है वैक्सीन और ड्रग में? वैक्सीन जो होता है वो बेसिकली प्रिकॉशन के लिए होता है। प्रिकॉशन यानी एक आदमी को वैक्सीन अगर दी जाती है तो उसे वो वायरस नहीं आएगा, यानी उसके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम को आप इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो इस वायरस को समझ जाता है, उस वायरस को किस तरीके से रोके वो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम समझ जाती है, तो उसे वैक्सीन कहते हैं, वो वैक्सीन होता है। और ड्रग या मेडिकेशन होता है अगर आपको ऑलरेडी वो COVID-19 या कोई वायरस ऑलरेडी आपको अगर आ गया है, आने के बाद अगर आपके ट्रीटमेंट के लिए जो दवा इस्तेमाल होती है उसको ड्रग मेडिकेशन कहते हैं। तो COVID-19 के बारे में तो ऐसा है कि अभी तक इसके लिए ना तो वैक्सीन है ना तो ड्रग है, ये पूरे दोनों जो है ट्रायल में चल रहे हैं। ड्रग में जो है यानी मेडिकेशन में जो है 4 मेडिकेशंस दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों में उसके ऊपर स्टडी चल रहा है। उसमें से एक जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो इंडिया में बनता था मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता था और अभी अलग अलग कंट्री को इंडिया ने एक्सपोर्ट भी किया है, उस पर भी टेस्ट हो रहा है। और लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये पूरी तरीके से इसको इसके लिए एक मेडिकेशन है या नहीं करके। उसी तरीके से वैक्सीन्स में भी अलग अलग वैक्सीन रिसर्च चल रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक जो है पूरे दुनिया में जो अभी 83 अलग अलग कंपनीज जो है COVID-19 वैक्सीन्स के रिसर्च कर रहे हैं। ये 83 कंपनीज में जो है 6 कंपनी जो है वो क्लिनिकल फेजेस में है और बाकी 77 कंपनीज जो है वो प्री क्लिनिकल फेज में है। तो आपको मैं भी समझाता हूं कि क्या है ये। एक वैक्सीन अगर रिसर्च करना है तो उसके अलग अलग फेज यानी प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल फेज, फेज वन, ये क्या होता है। तो कोई भी एक वायरस अगर कोई एक कंपनी, ये कोई भी एक वैक्सीन अगर एक कंपनी डेवलप करती है और उस वैक्सीन का जो टेस्टिंग प्रोसेस होता है उसमें अलग अलग फेज होते हैं। एक फेज होता है जिसको कहते हैं प्री क्लिनिकल, वो फेज में जो है इस वैक्सीन का टेस्टिंग जो है जानवरों में होता है, जानवरों में किया जाता है। जैसे अभी आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है जहां पर अभी ये COVID-19 का जो एक वायरस रिसर्च किया जा, वैक्सीन रिसर्च किया जा रहा है, वो लोगों ने भी हाल ही में जो है बंदरों पर, एप पर, उन पर इसका टेस्ट किया वैक्सीन का। तो उसी तरीके से प्री क्लिनिकल फेज में जो होता है वो जानवरों पर ये टेस्ट किया जाता है। अगर ये टेस्ट के रिजल्ट्स जानवरों पर पॉजिटिव नजर आए वैक्सीन के, उसके बाद वो लोग फेज वन में जाते हैं। फेज वन जो होता है ये इसमें जो है इंसानों पर टेस्ट किया जाता है, बहुत कम इंसानों पर, यानी 20 से लेकर 40 लोगों के ऊपर इसका टेस्ट किया जाता है। अगर ये टेस्ट सक्सेस हुआ तो फेज टू को जाते हैं। अगर फेज वन में ये 20 या 40 लोगों के ऊपर जो टेस्ट हो रहा है उसमें कुछ भी रिएक्शन आया तो वापिस रिसर्च प्रोसेस में लोग जाते हैं, इसको टेस्टिंग को रोक दिया जाता है। फेज टू जो होता है, फेज टू में जो है एक 100 से लेकर 200 लोगों के बीच में या 300-400 ऐसे लोगों के ऊपर ये टेस्टिंग किया जाता है। ये फेज टू होता है जिसमें लोगों की संख्या बढ़ाई जाती है, 100, 200, 300 ऐसे लोगों पर टेस्टिंग किया जाता है, ये फेज टू है। फेज टू में अगर सक्सेस हुआ तो उसके बाद आता है, उसको कहते हैं फेज थ्री। फेज थ्री में क्या करते हैं कि इस वैक्सीन को जो है ऐसे एरिया में ट्राई करते हैं जिस एरिया में इस वायरस का इम्पैक्ट ज्यादा है। मिसाल कोई एक गांव है या कोई एक मोहल्ला है या कोई एक रीजन है जहां के लोगों के अंदर, लोगों पर ये वायरस का असर ज्यादा है, वहां पर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे एक छोटे से एरिया को सिलेक्ट कर वहां के लोगों को ये वैक्सीन का एक डोज दिया जाता है। उसके बाद इस वैक्सीन का रिजल्ट सक्सेस है या फेलियर इस बात से पता चलता है कि अगर जितने लोगों को उस एरिया में जहां पर ये वायरस आने की बहुत ज्यादा आपको चांसेस है, ऐसे एरिया में इतने लोगों को वैक्सीन देने के बाद उनमें से अगर बहुत ही कम लोगों को ये वायरस इंपैक्ट हुआ तो वो लोग सक्सेस
समझ लेते हैं कि हाँ इस वैक्सीन की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को ये वायरस इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो ये अलग 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 फेसेस हैं। अब पूरे दुनिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया में भी जो है ऑलमोस्ट 6 इंडियन कंपनीज हैं जो मैंने बताया 83 कंपनी में जो इसका रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सारे कंपनीज जो है वो अभी प्री क्लिनिकल फेज में यानी ह्यूमन टेस्ट में अभी तक वो नहीं आए। ह्यूमन टेस्ट में पूरे दुनिया में जो हम देखते हैं 6 कंपनीज हैं जो ह्यूमन टेस्ट में आए हैं, उसमें भी 2 कंपनीज जो है फेज 2 में आए हैं। उसमें से एक चाइना का एक कंपनी है, बीजिंग इंस्टीट्यूट है, और दूसरा जो है ऑक्सफोर्ड का जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी का। ये 2 लोग जो है फेज 1 फेज 2 के बीच में हैं लोग। तो ये एक करंट स्टेटस है। सेकेंडली देखिए, ये वायरस का किसी भी वायरस का वैक्सीन जो है इतना जल्दी मार्केट में नहीं आता। अगर आप इससे पहले के देखेंगे टीबी जो देखेंगे, टीबी वायरस का पूरी तरीके से एक वैक्सीन आने के लिए 20 साल लगे। डेंगू के वैक्सीन आने के लिए पूरी तरीके से रिसर्च पूरा होने के बाद उसके लिए भी 20 साल लगे। तो इतना जल्दी नहीं होता। लेकिन ये जो सबसे अब तक का जो रिकॉर्ड है, सबसे फास्ट वैक्सीन आया है जो मम्स वैक्सीन था, जो हम जानते हैं कि 4 साल के अंदर आया, 1967 में 4 साल के अंदर उसको बनाया गया और उसको रिलीज किया गया लाइसेंसिंग के साथ। सबसे फास्ट अब तक रिकॉर्ड वो है। अब उसके अलावा लेकिन COVID-19 में ये मत आप समझिए कि इसके लिए भी 20 साल लगेंगे, ये भी बहुत जल्दी हो सकता है। क्योंकि जब पैंडेमिक होता है, पैंडेमिक का मतलब महामारी होता है, बहुत तेजी से चीजें फैल जाती हैं, उस वक्त क्या होता है कि ये जो वैक्सीन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को स्पीड अप होते हैं, बहुत सारा फंडिंग आता है वैक्सीन के लिए। आप समझिए इसके रिसर्च के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो बहुत सारे गवर्नमेंट जो है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है बहुत पैसा इसके अंदर डालते हैं। अभी आप देखेंगे दुनिया के अलग अलग गवर्नमेंट हो, बिल गेट्स फाउंडेशन हो, ऐसे अलग अलग लोग बहुत पैसा इसके अंदर डाल रहे हैं वैक्सीन का रिसर्च के लिए। तो बहुत पैसा आएगा इसके अंदर, बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो जल्दी आने का चांस है। और बहुत सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 की शुरुआत में ये वायरस का, ये वैक्सीन का जो है एक मार्केट में लॉन्च होने का और पब्लिक के लिए अवेलेबल का भी एक चांसेस बताया जा रहा है। ऐसे महामारी के सिचुएशन में और एक काम भी जो होता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हर एक मुल्क के अंदर जो है एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जो उस मुल्क के अंदर कोई भी वैक्सीन मुल्क के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसका फैसला लेती है वो रेगुलेटरी बॉडी। तो ऐसे वक्त पर क्या हो सकता है कि अलग अलग कंट्रीज के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं इमरजेंसी के तौर पर लोग ऐसा फैसला ले सकते हैं कि अगर ऐसा एक वैक्सीन दूसरे मुल्कों के रेगुलेटरी बॉडीज ने अप्रूव कर दिया है तो हम भी उसे अप्रूव करेंगे। वो डिटेल जो हमारा एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम थोड़ा कम करेंगे, हो सकता है। अब तक ऑफिशियल नहीं है लेकिन अनऑफिशियल ऐसे रिपोर्ट्स आप न्यूज में देखते होंगे जहां पर अनऑफिशियली यहां पर आता है कि इंडिया में भी ऐसा हो सकता है अगर यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान में इन मुल्कों के अंदर अगर टेस्टिंग होता है और इंडियन ओरिजिन लोगों पर भी टेस्ट होकर वो पॉजिटिव आता है तो इंडिया के अंदर भी इसका प्रोसेस कम हो सकता है। ऑफिशियल नहीं है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स है। तो कहने का मतलब यह है कि जो दूसरे वायरसेस को जितना वैक्सीन बनाने जितना वक्त लगा इसमें कम लग सकता है। और एक फायदा यह है क्योंकि देखिए ये जो COVID-19 वायरस जो है, ये वायरस का जो है इससे पहले जो वायरस आए थे जैसे सार्स वायरस आया था 2003 में, उसका उस वायरस और इस वायरस का जो जीन्स है उसमें 79% सिमिलैरिटी है। उसी तरीके से मर्स जो वायरस आया था 2012 में उसमें और COVID-19 में जो है 50% का जो है एक सिमिलैरिटी है। इस वजह से 2003 से ही इस वायरस के ऊपर रिसर्च हो रहा है। तो सार्स में जो रिसर्च हुआ, मर्स वायरस में जो रिसर्च हुआ, वो रिसर्च COVID-19 वायरस के लिए बहुत इस्तेमाल होगा और वो इतने सालों का जो रिसर्च है वो रिसर्च भी COVID-19 के वायरस और वैक्सीन रिसर्च में काम आएगा। इसलिए COVID-19 का वैक्सीन जल्दी आ सकता है क्योंकि इसके पीछे सार्स वायरस और मर्स वायरस का वैक्सीन रिसर्च भी इसके लिए बहुत इस्तेमाल होगा। तो ये एक स्टेटस है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 तक अगर सारे टेस्ट सक्सेसफुल हों तो वैक्सीन आ सकती है। साथ ही साथ दूसरे ट्रीटमेंट्स भी हम देख रहे हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे अब इंडिया के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं प्लाज्मा ट्रीटमेंट क्या होता है कि देखिए एक आदमी जिसे ये वायरस हुआ है
और वो आदमी उस वायरस से ठीक हो गया है, मतलब वायरस की बीमारी से रिकवर हो गया, अब उसे वायरस नहीं है, तब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर थोड़े एंटीबॉडीज आ जाते हैं। एंटीबॉडीज का मतलब होता है कि हमारे खून के अंदर थोड़े ऐसे चीज आ जाते हैं जो इस वायरस को जानते हैं, इस वायरस से किस तरीके से उभरना वो जानते हैं। तो ये हमारे खून के अंदर जो प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडी होता है। तो क्या करते हैं प्लाज्मा थेरेपी में, ऐसा एक शख्स जिसके अंदर जो है, जिसने इस वायरस से सक्सेसफुली ट्रीटमेंट जिसका हो गया है, वैसे एक शख्स का प्लाज्मा, खून में से प्लाज्मा लिया जाता है जिसके अंदर एंटीबॉडी होते हैं, और इस प्लाज्मा को जो है, जिन लोगों को COVID-19 है उनको, उनके अंदर ये प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है, उनको दिया जाता है। इससे ऐसा नहीं है कि 100% ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन जो टेस्ट हुए हैं, टेस्ट से पता चले हैं कि बहुत सारा जो तकलीफ हो सकता है वो तकलीफ कम हो सकता है, यानी मौत होने के जो एक वाकया थे वो आप कम कर सकते हैं, यानी एकदम एक्सट्रीम इम्पैक्ट COVID-19 का कम हो सकता है। और ये प्लाज्मा थेरेपी जो है ये नया नहीं है, प्लाज्मा ट्रीटमेंट इससे पहले मर्स में भी किया गया, सर्स जो हुआ था 2012 में, उससे पहले 2003 में भी जो हुआ था, इनमें भी ये ट्रीटमेंट किया गया है। तो ये एक ओवरऑल आपके सामने मैंने एक COVID-19 के जो मेडिकेशन है उसकी बातें रखी। उम्मीद करता हूँ कि जो ये बड़े बड़े मेडिकल टर्म्स है उसको बहुत ही आसानी से आपके सामने रखने के लिए मैंने कोशिश की। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको चीजें समझ में आई होगी। आगे दूसरे ऐसे टॉपिक्स में आपके सामने अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।